अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं पीएसए डिजिटल। आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से गिरफ्तार किए गए जाली एमएस गुलाम मुस्तफ़ा नामी नौजवान ने मुतद्दद मरीजों को लूट लिया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नवील असलीम की मीडिया से गुफ्तगू हुई है। उकाड़ा में मुलजम कई माह से मरीजों को लूट रहा था। एक मरीज से सिटी स्कैन के नाम पर 2000 रुपये, दूसरे मरीज से मोबाइल छीन लिया गया। इसी तरह मुलजम की कार्रवाइयों के मुतलक मुतद्दद शिकायत आ रही थी मगर पकड़ा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और उसका अमला परेशान था कि ये कौन सा जाली मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनकर लोगों को लूट रहा है। हस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को हाई अलर्ट भी किया हुआ था, जिन्होंने उसे पकड़ लिया। मुलजम के कब्जे से एएमएस और एडवोकेट के जाली कार्ड बरामद किए गए हैं। मुलजम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और मुकदमा के अंदराज की दरख्वास्त भी दे दी गई है। अस्पताल में आने वाले मरीज जाली डॉक्टर बनकर जो घूम रहे हैं उनको भी पकड़ेंगे। डॉक्टर नबील सलीम का वीडियो बयान भी सामने आ गया है, आइए आपको दिखाते हैं। वो बनाने ने कंप्यूटर दी भेजा, अगर कोई लेटर या कोई चीज़ दे होता और जिस मैं मैडिकल करवाया सी तो वो मैडिकल की जी कापी भी मेरी जेब दे है, हूँ जी उन्होंने मैं दिता उन्होंने जी कार्ड बना के देता मैंने। अच्छा, तो बकाया जी मेरा जो कलर कार्ड है वो जी इतों डी सी ऑफिस बनया हुआ। क्लेम कि तेरी? क्लेम जी मेरी मैट्रिक है। तारफ की करा रहा है तू? कि सर हॉस्पिटल तारफ की करा रहा सर, इतने भी यू टी डी हाँ तुमने इतने बड़े बड़े उद्योग के कार्ड बनाए हुए हैं तो इसका तुम्हें ये नहीं पता था कि ये मैं इस पर एक्शन हो जाएगा? नहीं सर, जेड़ा मेरा कलर कार्ड है वो सर वकील साहब ने खुद सर इजाज़त दे के मेरा बनवाया सी सर। सन 2016 च मैं सर इतने अपना कलर कचहरी च सी। अच्छा, तो दूसरा ये जो आपका है कार्ड डॉक्टर गुलाम मुस्तफा जी, ये किसने कह के बनवाया था? सर ये मैं अपार्टमेंट लैटर सर इतों लिया से अपना मेडिकल वगैरह करवाया सी। ये सर मैं तो स्टाफ नहीं चेक रहा, वो कहते जी तुम ना उपर ड्यूटी कर लो। फिर उस तो बाद मैंने ना जोड़े भी जाता से ना अफसर कहता से पहले अपना कार्ड चेक करवा भी कार्ड तो बगैर तू ड्यूटी इतने नहीं करनी। फिर सर मैं ना कंप्यूटर पर गया, उन्होंने मैं सर लैटर विखाया, उन्होंने सर मैं कार्ड बना के दे दिता। उसने कैसे बना दिया आपको? नहीं सर वो लैटर ले उन्होंने सर चीज़ें आपके पास कोई चीज़ भी नहीं जो आपने किस तरह ये डॉक्टर का कार्ड उसे किस तरह बनवाया? सर ये है अपार्टमेंट लैटर सर इधर इतों लाया सी अपना मेडिकल ले तो कुछ भी नहीं है यही सर बस मेरे को यही मैं दिता सी। इसमें जो आपको ये मेडिकल जो आप दिखा रहे हैं इस बिहाफ ही आपको उसने कार्ड बना दिया? हाँ जी सर। कौन सी जगह से बनवाया था? उधर सर है 39 3 यार। नाम क्या है तुम्हारा? गुलाम मुस्तफा सर। खिलाफ जितनी दरखास्तें मौसूल हुई थी और इंशाल्लाह ऐसे मजीद जितने भी जाली डॉक्टर जो कि अस्पतालों में घूम रहे हैं उनको हम मजीद जो है पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये कब से इसके खिलाफ आपको शिकायत वसूल हो रही है? जी मुझे गुज़िश्ता 2 माह से हो रही थी, 3 माह मुझे हो गए हैं, 2 माह से मुझे यहाँ से शिकायतें आ रही थी इसकी मुसलसल। तो आज किस तरह ये केस हुआ? आज ये इसका फ़ोटो हमारे पास मौजूद था, जब ये मास्क लगा के आया है हमारे पास किसी अल्ट्रासाउंड लेके किसी पेशेंट का, तो मौके पे जो था गार्ड ने भी देख लिया और पहचान लिया और साथ हमारे अपने नायब कासिद ने भी इसे पहचाना और इसको आइडेंटिफाई किया और फिर फौर मेरे ऑफिस में ले आए फौरन। तो सर जो इनको कार्ड जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होगी? जी कार्ड तो आप बाज़ार में किसी भी फोटोकॉपी की मशीन से निकलवा सकते हैं जी बआसानी। हमारे मुल्क में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि कार्ड ओरिजिनल है या 2 नंबर है, तो कार्ड तो कहीं से भी बन जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि ये बंदा बहुत सारे लोगों को मज़ीद पता नहीं कितने होंगे मरीज़ गरीब मरीज़ जिनसे ये पैसे बटोर चुका है और पता नहीं कितनी दरख्वास्तें हमारे पास नहीं भी पहुंची होंगी। तो इसलिए कोशिश यही है कि ऐसे जाली फ्राडियों को हम जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।